हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग होप सो so बढ़िया होंगे आज के हम एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दूंगा कुछ अच्छे अच्छे स्टैट्स की जानकारी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि, कि टॉप ग्रैंड लीग प्लेयर क्या हो सकते हैं आप लोगों को मैं प्लेयर बैटल से बताऊंगा कि कौन कौन सा प्लेयर अच्छा चलेगा कौन कौन सा प्लेयर इसके सामने आउट होगा इसको स्ट्रगल करवाएगा सब कुछ बताऊँगा मैं ठीक है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप में से जो लोग भी नए है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा गाइज सबसे पहले आज का जो मैच है चेन्नई वोसेज पंजाब का वो खेला जाएगा मुंबई के ब्रेबॉन स्टेडियम में गाइस यहाँ पर जितने भी मैच हुए हैं जिसने भी बॉलिंग लिए वो टीम जीती है मतलब अगर जो भी टीम अगर अगर पंजाब बॉलिंग लेती है तो पंजाब जीत जाएगी अगर चेन्नई बॉलिंग लेती तो चेन्नई जीत जाएगी ऐसा चल रहा है बाकी चेन्नई की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और पंजाब भी इतनी कमज़ोर नहीं है पंजाब भी अच्छी है बट कुछ कुछ मैं आपको फैक्टर बताऊंगा और पंजाब भी जीत सकती है उसका भी एक बहुत यूनिक फैक्टर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा का ये जो स्टेडियम है इसका जो आज का एवरेज स्कोर होगा ड्यू फैक्टर को मिला के वो होगा अप्रॉक्स 180 से लेके 190 तक क्या होगा का इसकी जो भी सेकेंड जो भी बॉलिंग करेगा उसको ड्यू मिलेगा और ड्यू के कारण जो भी बैटिंग कर रहा होगा जो भी टीम बैटिंग कर रही होगी सेकेंड इनिंग में उसको इजीली अच्छे खासे वो रन स्कोर कर पाएगा अच्छे चेस कर पाएगा रन को तो का आपको क्या करना पड़ेगा आपको बताऊँगा आज का प्लेइंग इलेवन और बताऊँगा कौन कौन सा प्लेयर अच्छा चल सकता है तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये होगा आज का मोस्ट पॉविबल प्लेइंग एलेवन यहाँ पर थोड़ा एक चेंजेस हो सकता है कि यहाँ पे है ना लियम लिविंगस्टन की जगह यहाँ पे या फिर भानुका की जगह यहाँ पर आप लोगों को जॉनी बियस्ट्रो देखने को मिल सकते हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर है इनका एवरेज फिफ्टी प्लस का है पिछले पूरे आई सीजन में अभी अपन लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पंजाब से बात करते हैं तो क्या इस पंजाब में यहाँ पर एक आप लोग को एक फैक्टर बताता हूँ तो यहाँ पर जो मयंक अग्रवाल है ये चल सकते हैं बट यहाँ पर जो चहर है इनके साइड से मतलब चन्ने की साइड से जो चहर है वो ब्रावो है इनको काफ़ी स्ट्रगल करवाते हैं मतलब पंद्रह रन पर आउट कर दिया बीस रन पर आउट कर दिया तो यहाँ पर मयंक अग्रवाल बहुत रिस्की हो सकते हैं अगर आप हेड टू हेड खेलें तो आप मत लीजिएगा ग्रैंड लीग में आप लोग रिस्क ले ट्राई कर सकते हैं ठीक है जैसे कल के कितने ना मुझे लगा था कि ऐसे शुभमन गिल नहीं चलेंगे बट वो रिस्क था रिस्क लिया लेकिन वो थोड़ा सा सीन हो गया इसीलिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं रिस्क आपकी मर्ज़ी और बाकी यहाँ पे शिखर धवन बहुत अच्छी चॉइस होगी गई सबसे बेस्ट कैप्टन चॉइस होगी मेरे लेते हुए मैं तो पक्का से शिखर धवन को कैप्टन बनाऊँगा शिखर धवन को यहाँ पर जिनके इनके चार बॉलर हैं बहुत स्ट्रगल करवाने वाले डुव ब्रावो यहाँ पर आपको हो गया तो रविंद्र जडेजा यहाँ पर आपको दीपक चहर हो गया ठीक है और यहाँ पर होगा आपका एक और प्लेयर महेश तिक्षाना ठीक है याद रखिएगा महेश तिक्साना को खिला दिया अगर तो यहाँ पर वो शिखर धवन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवा सकते हैं तो आप लोग क्या करिए कि है ना जितने भी ये बॉलर हैं मतलब यहाँ पे रविंद्र जडेजा दुवेन ब्रावो महेश थिक्षाना और दीपक चहर ये चारों के चारों मिल के है ना यहाँ पर शिखर धवन को स्ट्रगल करवा सकते हैं बट शिखर धवन को अगर आउट किया अभी तो वो अराउंड सिक्सटी रन पे सेवेंटी रन पर आउट होगा तो आप लोग ले सकते हैं और चाहो तो मतलब रिस्क ले ले सकते हो लिवन लियाम लिविंगस्टन को तो मैं अवॉइड करूँगा अगर इसकी जगह पर अगर जॉनी बेस्टो खेलता है तो मैं इनको पक्का से लेने वाला हूँ और औरग्इज अभी जब प्लेइंग लेवल अनाउंस होगी तो ओडिन स्मिथ की जगह पे मुझे लग रहा है कि वो लोग कोई और किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं तो उसके बाद जब जो भी फाइनल टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस मैं आपको दो तीन टीम्स बताऊंगा उसमें से आप लोग जो चाहे वो आप चूज़ कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप लोग है ना हरप्रीत बार अभी आउट ऑफ फॉर्म है इनको आप अवॉइड करिए यहाँ पे आप कसी को रवाड़ को ले सकते हैं राहुल सर इंस्ट बहुत सारे विकेट आपको ले रहे हैं रेगुलरली कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हो तो आप इन दोनों को तो आप पक्का से ले लीजिएगा यहाँ पर मैं शिखा धवन को लेना चाहूँगा और अगर जॉनी बेस्ट है तो जॉनी बेस्ट को आप लोग चाहे तो आप लोग यहाँ पर मयंक अग्रवाल को एज अ रिस्क में ले सकते हैं क्योंकि ग्रैंड लीग के अंदर ठीक है अभी आप लोग क्या करिए चेन्नई के अंदर क्या करना है ऋतुराज गायकवाड़ को ज़रूर से ले लीजिएगा ठीक है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हरदीप सिंह का स्ट्रगल रहता है ठीक है हरदीप सिंह है ना इनका इनका स्ट्रगल रहता है मतलब पंद्रह बीस रन पे है ना ये दो बार आउट कर चुके हैं तो आप लोग क्या करिए कि है ना आप लोग रिस्क लेके ले, ले लीजिए क्योंकि हरदीप सिंह अभी फॉर्म में नहीं चल रहे मैं तो लेने ऐसे ही लेने वाला हूँ अभी ये फॉर्म में नहीं है अरजदीप सिंह तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को वो विकेट निकाल पाए बाकी अगर आपको लगता है कि वो निकाल सकते हैं तो आप लोग दोनों में से किसी एक को ले लीजिएगा रॉबिन उथप्पा का तो कई सभी लेने वाले हैं क्योंकि इन्होंने जितने भी बेरबॉन स्टेडियम में मैच हुए चेन्नई के उन्होंने सब में ना अच्छे रन मारे एक में फोर्टी एक में फिफ्टी सिक्सटी तो आप मैं रॉबिन उथप्पा को जरूर से आप ले लीजिएगा मोइन अली भी ले सकते हैं इनका एवरेज बहुत अच्छा है थर्टी फाइव का एवरेज है और साथ साथ में इन्होंने हर एक मैच में एक से लेकर दो विकेट ले सकते हैं ये अम्बाती राइडो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इनको मैं अवॉइड करूँगा एम एस धोनी सर की बैटिंग आने बहुत मुश्किल है तो उनको भी मैं अवॉइड करूँगा यहाँ पर रविंद्र जडेजा सर अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो आप चाहे तो ले भी सकते हैं नहीं चाहे तो आप नहीं भी ले सकते और रविंद्र जडेजा सर को संदीप शर्मा ने आउट किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली तेरह चौदह रन पर आउट किया था तो आप लोग इनको ले सकते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को तो हो गया उथप्पा को भी आउट किया हुआ है दो तीन बॉलर्स ने लेकिन वो आउट किया था फोर्टी रन पे फिफ्टी रन पे तो आप लोग इनको ज़रूर से लीजिएगा अभी अपना बच्चा यहाँ पर बॉलर कौन है तो सबसे पहले तो आप महेश तिक्षाना को ले लीजिएगा फिर यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर ड्वेन प्रिटिशियस जिसने कल के मतलब जो पिछला मैच था उसमें जिन्होंने दो विकेट निकाले थे एक मैच में उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं शिवम दुबे भी एक बहुत बढ़िया चॉइस होगी क्योंकि अगर इनका ऊपर बैटिंग आती है तो ये अच्छे खासे रन मार सकते हैं मतलब थर्टी से फोर्टी रन तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं और ये राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है तो इनको एक से दो ओवर भी मिल सकता है तो आप लोग इनको ले सकते हैं तो अब मैं आप लोगों को तो बताता हूँ मेरा प्लेइंग इलेवन क्या होने वाला है आप लोगों को टॉस के बाद जो भी प्लेइंग इलेवन होगा वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये होगा मेरा प्लेइंग इलेवन यहाँ पर मैं जॉनी बेस्टो और राजा पक्ष में से जो भी खेलेगा उन दोनों में से किसी एक को ले लूँगा फिर यहाँ पर मैं नीचे की साइड बैट्समैन में रितुराज गायकवाड़ रॉबिन रुतपा दोनों के दोनों मतलब रॉबिन रुतुपा फॉर्म में चल रहा है और ऋतुराज गायकवाड़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है अच्छा खेलने के अगर अरदीप सिंह फॉर्म में ना रहे तो और शिखर धवन को मैं इसलिए लूँगा क्योंकि ये सब बॉलर इनको स्ट्रगल जरूर कर पाएंगे लेकिन ये ना सिक्सटी सेवेंटी रन तक मारने का इनका बहुत ज़्यादा चांसेज है फिर इस दूसरी साइड ऑलराउंडर में लूँगा मोइन अली को क्योंकि वो शिखर धवन को स्ट्रगल करवाते हैं उनका एवरेज बहुत बढ़िया है उनको थर्ड या फोर्थ नंबर पर उनको बैटिंग में मिलेगी अच्छे खासे ओवर वो खेल पाएंगे गाइज यहाँ पर आप लोग क्या ले सकते हैं कि ये ना जो ड्वेन प्रीटिशियस है इसको आप ले लीजिए क्योंकि इनको पूरा चार ओवर मिलेंगे और ये बैटिंग भी कर सकता है अगर एक दो ओवर में इनको मिलते हैं और इन्होंने अगर दस बीस रन भी बना लिए चार ओवर खेलने का अगर एक विकेट भी ले लेते तो मेरे ले लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं ऋषि धवन सबसे बेस्ट चीज होंगे अगर ये खेलते हैं तो क्योंकि तो क्या होगा कि ऋषि धवन का ने चार मैच में ग्यारह विकेट लिए हैं और इनका जो एवरेज है वो है थर्टी सेवन रनस का तो आप लोग ज़रूर से इनको ट्राई कर सकते हैं फिर यहाँ पर बॉलर्स में सबसे पहले तो महेश दीक्षा ना जो शिखर धवन को स्ट्रगल करवाएंगे पूरे चार ओवर मिलेंगे डुवन ब्रावो को भी पूरे चार ओवर मिलने वाले तो आप इनको भी ले सकते हैं फिर आप लोग ले लीजिए रबाड़ा को और राहुल शहर को और मोहिन अली को भी है ना स्पिन में एक से दो ओवर तो गारंटी मिलेंगे ही मिलेंगे तो आप लोग इन सब को आप ले सकते हैं और बाकी अगर आपको कोई भी चेंज लगता है मतलब प्लेइंग लेवल से कोई भी इन या फिर आउट होता है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ज्वाइन जरूर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना बाय बाय